आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और मार्केट सभी भी रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। मिडकैप 24 अंक ऊपर, स्मॉल कैप करीब करीब 74 अंक नीचे कामकाज करते हुए, और निफ्टी निफ्टी बैंक के अंदर भी बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। निफ्टी करीब करीब 32 अंक ऊपर, सेंसेक्स 162 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक 400 अंकों के आसपास के डिक्लाइन के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। लेकिन केवल दो चरणों के मतदान बचे हैं और 4 जून को नई सरकार का चुनाव करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार भी है। जानिए कैसे भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि हर कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत के आम चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव, इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी। ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है। भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है। 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव, जिसे 1.5 करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं, वही असली नायक है जो चुनाव करवाते हैं। गुमनाम नायक। और सबसे बड़ा नायक कौन है? मतदाता, जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता, बूढ़े और युवा, हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है। इस सबको संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये जितनी उनकी कहानी है, उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है। 8, the Great Indian Election premieres 22nd May, Wednesday, 7 PM on History TV 18. तो आज शाम को एक खास रिपोर्ट होगी, आप जरूर देखिए किस तरह से पूरा एक बड़ा पर्व जो भारत मनाता है, कैसे ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद अब रुख कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का, जहां पर इस हफ्ते में मुकाबले के लिए 3 पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ मौजूद रहे हैं, उसमें एंजल वन के समीर चौहान, LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे, और SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा हैं, जिसमें विरल की तरफ से JBM ऑटो ये कॉल दी गई थी। करीब 2100 रुपये के टारगेट्स के लिए नई कॉल इनिशिएट की है। 1810 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय दी है। विरल नहीं, टाटा स्टील में एक बाय रिपोर्ट बाय कॉल दी थी, 172 के लेवल्स के आसपास उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया है। 195 के टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नजर डाली जाए तो सो फार जो रिटर्न्स हैं उसमें समित चौहान करीब करीब 2% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं, रूपक करीब 3.25% का पॉजिटिव रिटर्न है, और विरल का रिटर्न रफली 2.25% के आसपास सो फार देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों का रिटर्न हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे ज्योति CNC ऑटोमेशन के CMD पराक्रम सिंह जडेजा सर से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। किस तरह के नंबर्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है, अभी के एक्सपेंशन कैसे हैं, इन सब पे बातचीत होगी पराक्रम सर से एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल के लिए इतना ही।